हे एवरीवन, दिस इज नीरज शर्मा एंड आई एम बैक विद द न्यू म्यूजिक ट्यूटोरियल वीडियो। लास्ट की वीडियो में हमने सीखा था वंदे मातरम का पार्ट वन, राइट? हमने बेसिकली सॉन्ग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था ताकि आप इजीली इसको समझ पाए और सीख पाए। तो लास्ट हम पार्ट वन कर चुके हैं, आज हम करने वाले हैं पार्ट टू। सो लेट्स स्टार्ट इट। ऑलराइट, सो नाउ हियर वी आर विद द सेकंड पार्ट, राइट? हमने फर्स्ट पार्ट का लिरिक्स और नोट्स लिख लिए थे, अब ये उसके बाद का जो पार्ट रह गया था वो है। तो द वेरी फर्स्ट लाइन इज शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकित यामिनीम, एंड द नोटेशंस आर एफ जी बी 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 सी बी सी बी सी। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे लिखना है, ठीक है? देन सेकेंड लाइन इज फुल्ल कुसुमिता द्रुमदल शोभिनीम, एंड द नोटेशंस आर बी 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 सी बी सी सी डी सी ए शार्प, देन ए शार्प ए जी, ठीक है? सो इट्स लाइक फुल्ल कुसुमित द्रुम दल इज सी डी सी ए शार्प, देन शोभिनीम इज ए शार्प ए जी, ठीक है? तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, राइट? और यहाँ पे आप देखोगे कि डॉटेड है सी और डी, ठीक है? तो उनका ध्यान रखना है आपको, ठीक है? अब थर्ड लाइन जो है वो है सुहासिनीम सुमधुर भाषिनीम, तो सुहासिनीम के लिए डी डी एफ ई ई डी, देन सुमधुर इज डी ए शार्प ए शार्प, एंड भाषिनीम इज ए जी, देन सुखदम वरदम मातरम इज एफ जी बी 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 सी, देन अगेन वंदे मातरम एफ जी बी सी एंड देन वंदे मातरम एफ जी बी सी, राइट? तो इजी है प्ले करना, बस यहाँ पे कुछ सेकंड और थर्ड लाइन में आपके शार्प नोट्स हैं, बाकी सब आपके स्टैंडर्ड नोट्स यूज हुए हैं, राइट? सो एक बार इनको देख लेते हैं कीबोर्ड पे कैसे प्ले करना है। सो द वेरी फर्स्ट लाइन शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकित यामिनीम, देन फुल्ल कुसुमिता द्रुमदल शोभिनीम, सुहासिनीम सुमधुर भाषिनीम, देन सुखदाम वरदाम मातरम, एंड देन वंदे मातरम वंदे मातरम। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, बस आपको प्रैक्टिस करना है इसका, ठीक है? पार्ट वन हम कर चुके हैं, पार्ट टू आज हमने कर लिया है, आपको दोनों को मर्ज कर देना है एंड द सॉन्ग इज़ कम्प्लीटेड, ठीक है? जैसे आप हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, नोट्स को भी आप जो है गा के प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। जब आप नोट्स को गाते हैं तो मेमोराइज हो जाते हैं, और बेसिकली जिस तरह से आप गाते हैं आपको उसी तरीके से कीज़ को प्रेस करके, ठीक है, उन नोट्स को प्ले करना होता है। तो बस आपको प्रैक्टिस करना है, और हम मिलेंगे जल्द ही नई वीडियोज़ के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।